हेलो एवरीवान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ़ द फटाफट रिविज़न सीरीज़ फॉर नीट 2021. अब तो हमें नीट 2021 का डेट भी पता है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है ताकि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करके 650 फिफ्टी प्लस स्कोर करें एंड नीट में एक्सी का लेवल बहुत हाई होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए इसीलिए हमारा फ़टाफट रिविज़न सीरीज़ है जिसमें हम लोग फिफ्टीन मिनट्स में थर्टी और थर्टी प्लस क्वेश्चन हम लोग करने का कोशिश करते हैं बायोलॉजी का ताकि बायोलॉजी में हमारा स्पीड बढ़े तो इस वीडियो का टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन ह्यूमंस राइट लंग हैज तो यहाँ राइट लंग के लोब्स एंड फिशर्स का बात हो रहा है तो जैसे ये राइट right लंग है राइट लंग डिवाइडेड होता है थ्री लोब्स में और उसमें होता है इस तरह से दो फिशर्स ये दो फिशर्स लंग को तीन लोब्स में डिवाइड करते हैं सो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर वन थ्री लोब्स एंड टू फिशर्स और सिमिलरली लेफ्ट लंग में एक फिशर होता है जो लंग को दो लोब्स में डिवाइड करता है यहाँ पे करेक्ट इज ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट इन ह्यूमंस टोटल नंबर ऑफ एल्विओलाई प्रेजेंट इन टू लंग्स आर तो ये याद रखने वाला चीज है कि ह्यूमंस में दोनों लंग्स को मिलाकर 300 मिलियन एल्विओलाई होता है सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर फोर अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो कंडक्टिंग जोन हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके ब्रोंकियोल्स तक होता है और उसका फंक्शन होता है एयर को कंडक्ट करना जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स है या फॉरेन पार्टिकल्स है उसको ट्रैप करना और उसको ह्यूमिफाई करना बॉडी टेम्परेचर तक उसको लेके आना तो फंक्शन उसका है कंडक्टिंग ऑफ एयर क्लीयर्स द एयर ऑफ़ फॉरेन पार्टिकल्स ये भी करता है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर ये भी होता है बट गैशियस एक्सचेंज ये कंडक्टिंग जोन में नहीं होता है सो करेक्ट इज ऑप्शन फोर नेक्स्ट फाइंड द इनकरेक्ट मैच फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर दिस इज ट्रू लैरिंग्स हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन दिस इज ट्रू लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं एपिग्लॉटिस पार्ट ऑफ ट्रैकिया दिस इज रॉन्ग ये ट्रैकिया है ट्रैकिया के ऊपर ये कार्टिलेजनियस फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस जो फूड का एंट्री को प्रिवेंट करता है ट्रैकिया में दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रैकिया ट्रैकिया अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरासिक कैविटी दिस इज ऑल्सो ट्रू सो इनकरेक्ट मैच इज ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपीरेशन तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एक्सपीरेशन के टाइम क्या होता है तो जब इंस्परेशन होता है तब ड्राई एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड एक्सपरेशन में रिलैक्स करते हैं तो यहाँ एक्सपीरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही नहीं सो करेक्ट विल भी ऑप्शन नंबर थ्री

तो so, कॉकरोच में हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन होता है थ्रू ट्रैकियल सिस्टम सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट सो दिस इज द फर्स्ट स्टार क्वेश्चन ऑफ द वीडियो काफी अच्छा क्वेश्चन है यहां टोटल लंग कैपेसिटी पूछ रहा है तो टोटल लंग कैपेसिटी में सारे के सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आते हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम तो ये तीनों का सम को हम लोग लिख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी सो टोटल लंग कैपेसिटी इज वाइटलिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम सो करेक्ट इज यहां पे ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर एंड एल्वियोलर एयर इज तो जब हम लोग इंस्पायर करते हैं तो दैट इज एटमोस्फेयरिक एयर तो एटमोसफेयरिक एयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज 159 फिफ्टी नाइन एम एम ऑफ एच डी एंड एल्वियोलर एयर में दैट इज वन जीरो फोर एम एम ऑफ एच डी सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर टू वन फिफ्टी नाइन एम एम ऑफ मर्क्यूरी एंड वन जीरो फोर एम एम ऑफ मर्क्यूरी रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इन ह्यूमंस इज नॉर्मली तो टाइडल वॉल्यूम जो होता है दैट इज फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ एयर सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड माई फेवरेट स्टार क्वेश्चन ऑफ़ द वीडियो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड बाई स्पाइरोमीटर तो स्पाइरोमीटर से वो एयर को हम लोग मेजर कर सकते हैं जो कि हम लोग इनहेल कर रहे हैं या एक्जेल कर रहे हैं जो लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम है उसको मेजर नहीं किया जा सकता बाय स्पाइरोमीटर तो यहाँ पे जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको हम लोग एक्जेल कर सकते हैं प्लस रिजर्व वॉल्यूम तो ये लंग्स में प्रेजेंट होता है इसको एक्जेल नहीं कर सकते तो हम लोग इसको मेजर भी नहीं कर सकते रेजिडुअल वॉल्यूम को भी हम लोग एक्सेल नहीं कर सकते तो मेजर नहीं करेंगे एंड टोटल लंग कैपेसिटी में भी रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा तो इसको भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते तो स्पाइरोमीटर कैन नॉट मेजर ऑल द थ्री ऑफ दीज सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो ये भी एक स्टार क्वेश्चन है इसको याद रखने का जरूरत है मोगलोबिन बाइंडल करेक्ट इज ऑप्शन नंबर थ्री इसको याद रखना है इसको फिर से एक बड़ा सा यहाँ पे स्टार बना देते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन तो ये भी काफी अच्छा है यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टार बना सकते हैं इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस दिस इज रॉन्ग इंस्पीरेशन पैसिव नहीं दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस क्योंकि यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए तो यहाँ पे एनर्जी लगता है तो इट इज एन एक्टिव प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी इंक्रीजेज एंड द लोअर एंड ऑफ लंग्स आर पुल्ड डाउन वर्ड्स बाई द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डाइफ्राम दिस इज ऑल्सो ट्रू तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट है बी सी एंड डी सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट ये लो एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया ह्यूमन फिजियोलॉजी से हमेशा अच्छे ही क्वेश्चन बनते हैं द वैल्यू ऑफ पी ओ टू इन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पी सी ओ टू इन तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है फोर्टी एंड अब देखना है कि पी सी ओ टू फोर्टी कहाँ होता है तो सिस्टमिक वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो यहाँ पे पी सी ओ टू फोर्टी फाइव होगा सिस्टमिक आर्टरीज यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू यहाँ पे फोर्टी होगा पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड तो ये फोर्टी फाइव होगा एंड एटमोसफेयर में तो दैट इज जीरो पॉइंट थ्री तो इक्वल होगा यहाँ पे सिस्टमिक आर्टरीज में सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर टू तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक स्टार दे ही सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is an incorrect statement regarding exchange of gases between alveoli and blood? The amount of CO2 that diffuses across diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher than compared to that of oxygen. This is true. CO2 ka jo rate of diffusion is hai, hai than oxygen. Gases diffuse from region of higher partial pressure to lower partial pressure. This is also true.

विच ऑफ़ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट फेवर द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इन सिस्टमिक कैपिलरीज टू टिश्यूज़ यानी यहाँ पे ब्लड का जो डिफ्यूजन है वो कैपिलरी से टिश्यूज़ में हो रहा है यानी एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ये डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे किस चीज़ से एच का जो एफिनिटी है वो डिक्रीज नहीं करेगा वो देखना है हाई डीपीजी लेवल इन ब्लड तो डीपीजी पी जी इज डाईफॉस्फोगसरेट ये सेम एच प्लस के जैसा काम करता है जैसे इसका लेवल इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है हेमोग्लोबिन से वो डिक्रीज करेगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा कैपिलरीज से और टिश्यूज़ में चला जाएगा तो ये नहीं होगा हाई पी सी ओ टू इन टिश्यूज़ तो टिश्यूज़ में हाई पी सी ओ टू होगा तो वहां पे लोअर कंसेंट्रेशन होगा ऑक्सीजन का तो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट करके टिश्यूज़ में चला जाएगा तो दिस इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग हाई एच प्लस इन ब्लड सिमिलरली एच प्लस इंक्रीज करेगा तो so हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट करेगा और टिश्यूज में जाएगा लो पी सी ओ टू इन टिश्यूज तो दिस इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन लो पी सी ओ टू होगा टिश्यूज़ में तो वहां पे भी लोअर कंसेंट्रेशन होगा एंड मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन हायर से लोअर कंसेंट्रेशन होगा तो ये नहीं होगा ये फेवर नहीं करेगा कि एच बी ओ टू ब्रेक करे और ऑक्सीजन कैपिलरी से टिश्यू में आए

every 100 ml of oxygenated blood delivers about dash ml of oxygen to tissues under normal conditions while 100 ml of deoxygenated blood delivers approx b ml of co2 in alveoli so normal conditions may 5 ml of o2 and 4 ml of co2 are transported by 100 ml of blood so correct is option number 1 next हाउ मच ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड बाई हंड्रेड एम एल ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूजरसाइज एक्सरसाइज में विगर वहां पे मैक्सम अमाउंट ऑफ ओटू डिलीवर होता है दैट इज फिफ्टीन एम एल ऑफ ओटू सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट वेन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इंटू दरबीसी इट कंबाइंस विद वॉटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड एनजाइम तो ये जो रिएक्शन है वो सारा कार्बोनिक एंड हाइड्रेज एनजाइम करवाता है सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है दैट इज लोकेटेड इन मेडुला ऑबलोंगाटा जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर तो ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है. So, तो है इसका जो न्यूरल सिग्नल्स आता है जब लंग्स के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तब यहां से सिग्नल्स आता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ड्यूरेशन जो है रेस्पिरेशन का वो डिक्रीज कर दिया जाता है दैट इज़ इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन डिक्रीज कर देते हैं तो उस हिसाब से रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज कर जाता है तो इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी रेट दिस इज़ ट्रू इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन ये गलत है इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज करता है डिक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन दिस इज़ ट्रू तो यहाँ बोथ वन एंड थ्री आर करेक्ट सो so, करेक्ट इज ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट चेंजेस इन सी ओ टू एंड एच प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड आर डिटेक्टेड बाई तो ये जो डिटेक्शन होता है वो दो जगह होता है पहला तो है कीमोसेंसिटिव एरियाज ऑफ सेरेबेलम एंड ऑर्टिक आर्च ऑफ कैरोटेड कीमो रिसेप्टर्स तो ये दोनों जगह में सी ओ टू एंड एच प्लस आयन के कंसनट्रेशन का डिटेक्शन होता है बट एक चीज ध्यान रखना है कि कभी ओ टू के कंसनट्रेशन को डिटेक्ट नहीं किया जाता यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता ओ टू के कंसनट्रेशन से तो यहाँ पे बोथ वन एंड टू आर करेक्ट सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एम फाइसेमा तो इट इज अक्यूट इन्फेक्शन ऑफ लंग्स ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ इन एलव ये पूरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक्यूट नहीं क्रॉनिक होता है एंड बैक्टीरियल ग्रोथ इसका रूट कॉज नहीं है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से यह होता है इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ लंग्स कॉज्ड बाई एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग दिस इज ट्रू द वॉल्स ऑफ एलवियोलाई बिकम मोर इलास्टिक दिस इज रॉन्ग ये मोर इलास्टिक नहीं फाइबरेस बन जाता है इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाता है यहाँ पे द कंडीशन ऑफ द डैमेज एलवियोलाई इज रिवर्टेड बैक टू नॉर्मल बाई सिंग स्मोकिंग बंद कर देने से प्रॉपर जो एलवियोलाई था उसका कंडीशन वापस नहीं आएगा दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट

तो पूरे ब्रोंकाई में ये प्रेजेंट होता है तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई में प्रेजेंट होगा बट एल्वियोलर डक्ट में ये कार्टिलेजिनस रिंग एबसेंट होगा सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी एफ आर सी इज डिफाइंड एज तो ये जो एफ आर सी है दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इन ह्यूमंस इज नॉर्मली तो ह्यूमंस के लंग्स में जो आरवी होता है रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज 1100 टू 1200 एमएल करेक्ट इज ऑप्शन नंबर वन. नेक्स्ट एब्डोमिनल मसल्स प्ले अ रोल इन ब्रीदिंग मेनली ड्यूरिंग तो एब्डोमिनल मसल्स जब हम लोग फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं तब यूज होता है जब एक्सपीरेशन फोर्सफुली करना हो तो हम लोग एब्डोमिनल मसल्स को बिल्कुल स्क्वीज करते हैं ताकि हमारा जो बचा कुछ अभी एयर जितना एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो निकल जाए सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर थ्री ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपीरेशन नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमन लंग्स तो ह्यूमन लंग्स में प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज इज एलवेलाय सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर वन सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल एन सी आर टी बेस्ड है वो समझ में आते होंगे एंड पसंद भी आते होंगे डू हिट द लाइक बटन कॉमेंट योर सजेशंस और वॉट डू यू फील अबाउट दीज क्वेश्चन एंड डू सब्सक्राइब यार चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें एंड साथ में नीट क्रैक करने के लिए बिल्कुल मस्त एन सी आर टी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे टिल देन द नेक्स्ट वीडियो कम्स टेक केयर